महाराष्ट्र में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 3 बोगी पटरी से उतरी। महाराष्ट्र के गोंदिया में मंगलवार देर रात ट्रेन हादसा हो गया। उस वक्त खबर थी कि घटना में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हादसे में मात्र कुछ लोगों को ही मामूली चोट आई है। एक यात्री को बेचैनी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ से राजस्थान जा रही एक्सप्रेस ट्रेन ने मंगलवार देर रात महाराष्ट्र की गोंदिया जिले में एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके 4 पहिए पटरी से उतर गए। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुदमा और गोंदिया रेलवे स्टेशन के बीच देर रात करीब 1:20 पर हुई। एक बोगी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। SECR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि भगत की कोठी SF एक्सप्रेस 20843 का ड्राइवर ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर सका, जिसके कारण ट्रेन ने अपने आगे खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया, टक्कर लगने के कारण एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। घटना में कोई यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, केवल कुछ लोगों को मामूली चोट आई है। एक यात्री को बेचैनी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद रेलवे अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, तत्काल मरम्मत का काम शुरू किया गया, जिसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन आगे की यात्रा पर रवाना हो गई। हादसे के तुरंत बाद खबर थी कि एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने से हादसा हुआ। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बिलासपुर भगत कोठी एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन आगे निकली थी। जैसे ही गोंदिया पहुंची, वैसे ही वहां एक ही पटरी पर खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा था कि टेक्नीशियन की तरफ से सही सिग्नल नहीं मिलने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और 13 लोगों को मामूली चोट आई है। Audio Jungle.